Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about T network. हम लोग T network को पढ़ेंगे. T network की मदद से हम लोग high frequency measurement में inductance, capacitance, resistance को measure करते हैं high frequency measurement में. अब देखिए यहाँ पे T network में हम लोग देखेंगे ये दो type का होता है, parallel T network और bridge T network. तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं. टी नेटवर्क आर वेरी यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी इन द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग टी नेटवर्क का यूज करते हैं. वही लो फ्रीक्वेंसी में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज करते थे. वेन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, कैल्विन डबल ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, डिफरेंट सारा ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, डिफरेंट सारा ब्रिज आप पढ़े थे. यहाँ पे टी नेटवर्क की मदद से हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे. अब यहाँ पे देखिए जो टी नेटवर्क होता है वो दो टाइप का होता है, एक पैरेलल टी नेटवर्क और एक ब्रिज टी नेटवर्क. ये जो पैरेलल टी नेटवर्क और ब्रिज टी नेटवर्क है ये इसका बनावट के हिसाब से है. जैसे पैरेलल टी नेटवर्क में क्या होगा, दो टी नेटवर्क को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है. देखिए यहाँ पे ये आपका टी नेटवर्क है और एक टी नेटवर्क आपका ये नीचे से है. तो इस तरह से पैरेलली दो टी नेटवर्क को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग पैरेलल टी नेटवर्क बोलते हैं, जो कि यहाँ पे इस सर्किट में हम लोग देख रहे हैं. तो यहाँ पे जो हम लोग इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे पैरेलल टी नेटवर्क कैसे ये सर्किट होता है, कैसे काम करता है, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए एक सर्किट देखेंगे जो इस सर्किट से कंपैरिजन करेंगे. तो पहले देखिए पैरेलल टी नेटवर्क में इस फिगर की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए Z1, Z2, Z3 जो आपका सीरीज आर्म है पैरेलल टी नेटवर्क का, वो Z1, Z2 है, और जो आपका शंट आर्म है, टी आर्म जो है, वो आपका Z3 है. वही सेकेंड टी नेटवर्क जो है उसका क्या है, सीरीज आर्म Z4 और Z5 है और शंट आर्म Z6 है. तो Z1, Z2, Z3 एक आपका टी नेटवर्क हो गया और Z4, Z5, Z6 दूसरा टी नेटवर्क हो गया. ओके, इसी का डेल्टा इक्विवेलेंट है, इसी जो टी नेटवर्क है उसी का डेल्टा इक्विवेलेंट ये नेटवर्क है. टी को हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर लिए. अब देखिए ZA, ZB, ZC ये आपका एक डेल्टा नेटवर्क हो जाएगा या पाई नेटवर्क बोलिए, और ZD, ZE, ZF ये आपका दूसरा डेल्टा नेटवर्क हो जाएगा. इसमें क्या होगा, नल कंडीशन पे ये काम करता है. नल डिफ्लेक्शन समझते हैं आप, नल मीन्स जब जीरो पे उसका डिफ्लेक्शन होगा तब हम लोग रीडिंग लेते हैं. मीन्स मेरा जो मकसद होता है, जो डिफ्लेक्शन आपका पॉइंटर का होता है वो जीरो पे हो, उसी को नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में काम करता है, पोटेंशियोमीटर में नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है. तो यहाँ पे देखिए फिगर ए शोज पैरेलल टी नेटवर्क विथ सोर्स कॉमा नल डिटेक्टर. देखिए यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है और एक आउटपुट में डिटेक्टर लगा हुआ है, नल डिटेक्टर जो डिटेक्ट करता है. देयर आर टू टीज फॉर्म बाय इंपीडेंस Z1, Z2, Z3 एंड Z4, Z5, Z6 इन पैरेलल. दो टी नेटवर्क का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, दो टी नेटवर्क फॉर्म किया है, एक Z1, Z2, Z3 वाला और दूसरा Z4, Z5 और Z6 वाला. वही चीज लिखा हुआ है, द नेटवर्क कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म शोन इन फिगर बी. ये जो टी नेटवर्क है उसको हम लोग डेल्टा में या पाई में कन्वर्ट कर दिया. डेल्टा या पाई का मतलब सेम ही है, स्टार मींस टी, स्टार बोलिए या टी नेटवर्क, स्टार को हम लोग टी में इक्विवेलेंट में कर सकते हैं और डेल्टा या पाई नेटवर्क. तो फिगर बी में क्या किया गया, डेल्टा में स्टार डेल्टा कन्वर्शन कर दिया. ये स्टार में था, इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया गया, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन. ए नल इज इंडिकेटेड बाय द डिटेक्टर इफ द इंपीडेंस ऑफ ZA एंड ZE इन पैरेलल इज इक्वल टू जीरो. कह रहा है एक नल पॉइंट जो डिटेक्ट होगा, नल डिटेक्ट होगा कब, जब आपका इंपीडेंस ZA और ZD दोनों का जो है, जब ये दोनों पैरेलल में होगा तो दोनों का जो सम होगा वो आपका नल पॉइंट दिखाएगा. इंडिकेटेड बाय द डिटेक्टर इफ द इंपीडेंस ऑफ ZA एंड ZD इन पैरेलल इज इक्वल टू जीरो. ZA जो इंपीडेंस है, A का इंपीडेंस और ZD दोनों का जो एडमिटेंस होगा वो क्या होगा,
इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स 1/ZA प्लस 1/ZD इक्वल टू जीरो होगा। तो ये क्या दिखाएगा, नल पॉइंट को दिखाएगा, नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मीन्स नल पे है। द अनदर इम्पीडेंस ZE दैट इज ZB ZC ZE ZF डू नॉट अफेक्ट द नल कंडीशन। नल कंडीशन को केवल ZA और ZD डिफेक्ट अफेक्ट करेगा, ZB ZC ZE ZF ये जो है ZB ZC ZE ZF ये जो है नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये दोनों आपका नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये आपका ZB है, ये ZE है, ये ZC है, ये ZF है, यहाँ पे डिटेक्टर है, यहाँ पे सोर्स है। अब देखिए यहाँ पे नल पॉइंट कब होगा, जब एडमिटेंस बोल रहे हैं, मींस एडमिटेंस ऑफ ZA और ZD इक्वल टू जीरो होगा। तो 1/ZA प्लस 1/ZD इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे कीजिए बटा बटा का जोड़, तो क्या हो जाएगा, ZA प्लस ZD इक्वल टू जीरो, तो ZA इक्वल टू क्या हो जाएगा, -ZD। अब देखिए ZA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZA मींस ये जो आपका टी नेटवर्क है, ये जो टी नेटवर्क है Z1 Z2 Z3 इसी का इक्विवेलेंट ZA में हम लोग निकाल रहे हैं। तो ZA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट बता अपोजिट आर्म होता है, मींस इस तरह का होगा। ये आपका यहाँ पे सपोज कीजिए ये आपका डेल्टा है, ये स्टार में है, अंदर वाला स्टार में है, बाहर वाला डेल्टा है। सपोज कि ये ZA आपका ये है, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट बटा इसका अपोजिट आर्म। तो सपोज कीजिए ये आपका Z1 है, Z2 है, Z3 है, और फ्रेश में देखिए, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, फिर आपका कॉन्सेप्ट। सपोज कीजिए ये आपका ZA है, ZB है, ZC है, ZB है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। तो ZA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बटा इसका अपोजिट आर्म। तो ZA का अपोजिट क्या हो गया, Z3 हो जाएगा, तो बटे Z3 हो गया। उसी तरह सिमिलरली ZD जो है ये आपका Z4 Z5 Z6 ये वाला टी नेटवर्क का इक्विवेलेंट है। तो ZA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बटे Z3 अपोजिट आर्म। उसी तरह ZD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला Z4 Z5 Z6 का इक्विवेलेंट है। तो Z4 Z5 प्लस Z5 Z6 प्लस Z6 Z1 बटे Z6। अब यहाँ से देखिए नल कंडीशन में क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े ZA इज इक्वल टू -ZD होता है, तो पुट कर दिए ZA का वैल्यू, ये है आपका Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बटे Z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -ZD। तो -ZD वाला ये वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, तो देखिए ये टर्म को देखिए Z3 Z1 बटे Z3 है, तो Z3 कट जाएगा तो Z1 बचेगा, ये टर्म में आपका Z3 कट जाएगा तो Z2 बचेगा, प्लस ये Z1 Z2 बटे Z3 इतना इज इक्वल टू यहाँ पे सब में माइनस हो जाएगा, तो -Z4 यहाँ ये दोनों को आप जब कीजिएगा तो लास्ट वाला का Z6 Z4 बटे Z6, तो Z6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, Z4 बचेगा, तो -Z4 -Z5 -Z4 Z5 बटे Z6। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जब आप पैरेलल टी नेटवर्क में फ्रीक्वेंसी के लिए या एडमिटेंस के लिए निकालेंगे तो ये चीज़ आपको पुट करना पड़ेगा नल कंडीशन का, इसको याद में रखिए ZA इज इक्वल टू -ZT ZD, और ये कंडीशन को याद रखिए जब भी आप बनाते हैं फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए या एडमिटेंस मेजर करने के लिए, तो आपको ये जो है नल कंडीशन का जो पॉइंट है वो वहाँ पर पुट करना पड़ेगा और आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग नल कंडीशन को देखें, इसी में हम आगे देखेंगे फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, पैरेलल टी नेटवर्क की मदद से फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, एक सर्किट बनाएंगे जिसको हम ये सर्किट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्किट देखिए जिसमें फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए बताया गया है। अब आपको इस सर्किट और इस सर्किट को कंपेयर करना है, ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए पैरेलल टी नेटवर्क है। तो अगर आप
इस सर्किट और उस सर्किट को, ये दोनों को कंपैरिजन कीजिए, तो यहाँ पे देखिए जेड वन की जगह पे क्या है, आर वन है, जेड टू की जगह पे आर वन है, जेड फोर की जगह पे सी टू है, जेड फाइव की जगह पे सी टू है, जेड थ्री की जगह पे सी वन है और जेड सिक्स की जगह पे आर टू है। बस इसको कंपेयर करना है और नल पॉइंट का जो इक्वेशन था, ये चीज ये हम आपको बोले थे आपको याद रखना है, इस पे पुट कर देना है। अब कंपेयर कीजिए, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए है। तो देखिए वी है जेड वन इज कॉल टू क्या है, आर वन, कंपेयर कीजिए, यहाँ पे जेड वन इज कॉल टू क्या है, आर वन है, जेड टू इज कॉल टू क्या है, आर टू, आर वन है, ये भी वैल्यू आर वन है, जेड टू इज कॉल टू, जेड फोर, जेड थ्री इज कॉल टू कितना है, सी वन है। तो देखिए जेड थ्री इज कॉल टू सी वन, तो सी वन को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपेसिटेंस को लिखते हैं हम लोग वन बाय जे ओमेगा सी वन लिखेंगे, या इसी को ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे स्क्वायर इज कॉल टू माइनस वन होता है, तो आप माइनस जे बाय ओमेगा सी वन लिख सकते हैं, वन बाय जे ओमेगा सी वन लिखिए सी वन को, या माइनस जे बाय ओमेगा सी वन, ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर आपका सेम आ जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो जेड थ्री इज कॉल टू क्या हो जाएगा, माइनस जे बाय ओमेगा सी वन, जेड फोर इज कॉल टू कितना है, सी टू है, तो क्या लिखेंगे, माइनस जे बाय ओमेगा सी टू, या वन बाय जे ओमेगा सी टू, दोनों सही है। जेड फाइव इज कॉल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर कीजिए, जेड फाइव इज कॉल टू सी टू है, तो माइनस जे बाय ओमेगा सी टू, और जेड सिक्स इज कॉल टू क्या हो जाएगा, आर टू। ये कर लिए हम लोग, अब हम लोग नल पॉइंट के लिए जानते हैं, ये इक्वेशन आपको आया था, आप देखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड टू बटे जेड थ्री, तो जेड वन की जगह पर कितना है, आर वन है, तो आर वन प्लस फिर जेड टू की जगह पर कितना है, आर वन है, यहाँ पे सॉरी आर वन ही होगा, दोनों आर वन है, तो यहाँ भी आर वन, तो आर वन प्लस आर वन प्लस जेड वन जेड टू, तो जेड वन जेड टू कितना है, आर वन इंटू आर वन, तो आर वन स्क्वायर बटे जेड थ्री, जेड थ्री कितना है, माइनस जे बाय ओमेगा सी वन, तो माइनस जे बाय ओमेगा सी वन लिख दिए, इज कॉल टू आपका क्या है, माइनस जे फोर, माइनस जे फोर, तो जे फोर कितना है, जे माइनस जे बटे जे ओमेगा सी टू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जे बटे सी जे बटे ओमेगा सी टू, जेड फाइव कितना है, माइनस जे बटे जे ओमेगा सी टू, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, तो प्लस जे बटे जे बटे ओमेगा सी टू प्लस जे, यहाँ पे माइनस है जेड फोर जेड फाइव, तो जेड फोर जेड फाइव को आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे देखिए माइनस जे बटे जे ओमेगा सी टू, माइनस जे बटे जे ओमेगा सी टू, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जे स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर बटे जेड सिक्स कितना है, जेड सिक्स आपका आर टू है, तो बटे आर टू, तो देखिए वन बाई जे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब इसको क्या करना है, आर वन प्लस आर वन कितना जाएगा, टू आर वन प्लस, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, जे नीचे है तो ऊपर ले जाइएगा, तो क्या आ जाएगा, जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो जे स्क्वायर हो जाएगा नीचे में, तो जे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस माइनस फिर आपका प्लस आ जाएगा, प्लस जे आर वन स्क्वायर ओमेगा सी वन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जे बटे ओमेगा सी टू प्लस जे बटे ओमेगा सी टू कितना हो जाएगा, टू जे ओमेगा सी टू बटे ओमेगा सी टू प्लस दिस टर्म, ये हो गया। अब रियल और इमेजनरी को कंपेरिजन कीजिए, रियल और इमेजनरी को इक्विट कीजिए, रियल को रियल से कंपेरिजन करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी से कंप्यूट करेंगे। तो यहां पे देखिए ये आपका रियल टर्म है और इधर आपका ये रियल टर्म है, ये आपका इमेजिनरी टर्म है और ये भी इमेजिनरी टर्म है, जे जे लगा हुआ है, जे जिस टर्म में लगा हुआ है वो इमेजिनरी टर्म होगा और जिस टर्म में जे नहीं है वो रियल टर्म होगा। तो 2r1 = क्या हो जाएगा, ये टर्म 1 / ओमेगा स्क्वायर c2 स्क्वायर r2, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर क्या निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर = 1 / 2r1 r2 c2 स्क्वायर। अब देखिए इमेजनरी टर्म को कंपेयर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर वन स्क्वायर ओमेगा सी वन, आर वन स्क्वायर ओमेगा सी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बट्टे ओमेगा सी टू, टू बट्टे ओमेगा सी टू, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो यहाँ से फिर ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा टू बट्टे आर वन स्क्वायर सी वन सी टू, इसको इक्वेशन टू मान लीजिए। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपैरिजन कीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आया है, तो एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वन बाय टू आर वन आर टू सी टू स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला टर्म आ जाएगा टू बटे आर वन स्क्वायर सी वन सी टू। अब ये कंडीशन फुलफिल कब होगा, आर वन इज इक्वल टू फोर आर टू होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कर लीजिए,
R1 is equal to 4R2 के बराबर होगा एंड C1 is equal to C2 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हो गया, ये कंडीशन फुलफिल्ड हो जाएगा। तो हम लोग पैरेलल टी नेटवर्क की मदद से फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को निकाले। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रिज टी नेटवर्क को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।